हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जैकोबियन एरा के एक प्ले को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फेथफुल शेफर्डेस। इसे लिखा था जॉन फ्लेचर ने एंड ये उनका पहला प्ले था और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी प्लेज में सीरियस एलिमेंट्स भी होते हैं एंड कुछ कॉमिक सीन्स भी होते हैं, लेकिन इसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है जबकि ट्रेजिडी की एंडिंग बहुत सॉरोफुल होती है। इसमें सेक्सुअलिटी, लस्ट, सेक्सुअल जेलसी की बात की गई है बट इन अ कॉमिक वे। एक सीरियस इशू को इन्होंने लाइट वे में ऑडियंस या फिर रीडर्स के सामने रखा है। तो इस प्ले की स्टोरी है कुछ शेफर्ड्स की। शेफर्ड्स हमें पता है कि वो लोग होते हैं जो कि एनिमल्स को, मेनली शीप को, पास्चर्स यानी कि ग्रासलैंड्स में लेके जाते हैं उन्हें घास खिलाने के लिए। वो इन एनिमल्स को हमेशा साथ ही रखते हैं, इसीलिए इस प्ले को पास्टरल ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है। तो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट क्लोरिन है जो कि एक शेफर्डेस है यानी कि फीमेल शेफर्ड। वो एक मेडन है। वो एक शेफर्ड से बहुत प्यार करती थी लेकिन किसी कारण उसकी डेथ हो गई। क्लोरिन ने उसकी डेड बॉडी को अपने नज़दीक बरी किया ताकि वो आती जाती उसकी ग्रेव पे नज़र रख सके। उसके जाने के बाद क्लोरिन ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी चेस्टिटी को यूं ही मेंटेन रखेगी। शी वुड नॉट लेट हर वर्जिनिटी टू लूज। वो एक पायस लेडी थी। दूर दूर तक उसके वर्च्यूज की चर्चा होती थी। उसने अपने आसपास इतनी पॉजिटिविटी इकट्ठी कर रखी थी कि सैटर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। माइथोलॉजी में सैटर एक ऐसा क्रिएचर है जो कि हाफ ह्यूमन है बट उसके लेग्स, टेल एंड ईयर्स हॉर्स के हैं। इसके अलावा रोमन माइथोलॉजी में भी ऐसा ही क्रिएचर है, बस उसके लेग्स, टेल एंड ईयर्स गोट के होते हैं। ये एक लस्टी क्रिएचर है जो किसी भी तरह से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने में लगा रहता है। तो क्लोरिन की पॉजिटिविटी एंड मोरालिटी इतनी हाई थी कि सैटर जैसा क्रिएचर भी उसका कुछ नहीं कर पाया था, वो उसका गुलाम बन गया था। इसके अलावा क्लोरिन को हर्ब्स की काफ़ी नॉलेज थी। जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में जब भी कोई ज़ख्म होता था या चोट लगती थी तो वो जड़ी बूटियां ही काम आती थी, तो ऐसे क्लोरिन ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, उनके ज़ख्मों को हील किया। तो क्लोरिन के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब तक हमारे इरादे पक्के हैं, हमारा स्टैंड फर्म है, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्लोरिन के बाद कुछ और शेफर्ड्स एंड उनके लव अफेयर्स के बारे में बात आती है। तो पहला नाम आता है एमोरेट का। वो अपने लवर पैरिगट से मिलने का वादा करती है। वो दोनों मैरिज करना चाहते थे इसीलिए वो मिलकर इस बारे में बात करना चाहते थे। पैरिगट ने एक शेफर्डेस को रिजेक्ट किया था, उसका नाम है एमेरिलिस, बट वो अभी भी पैरिगट को पसंद करती है। और जब उसे पता चलता है कि पैरिगट तो एमोरेट के साथ एंगेज होने का प्लान बना रहा है, तो इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए वो एक सलन शेफर्ड के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रचती है। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल कर दूंगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, एंड उसे भी यही चाहिए था, तो वो उसके हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उसे मैजिकल चार्म्स वगैरह परफॉर्म करने आते थे तो वो अमेरिलिस को एक कुएं में फेंक देता है। वो उस पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है एंड जब वो उसे वेल से बाहर निकालता है तो वो एमोरेट का रूप लेकर वापस आती है। मतलब अब अमेरिलिस एमोरेट की फॉर्म में है एंड वो उसकी जगह पैरिगट से मिलने जाती है। फिर वो पैरिगट को सेड्यूस करती है लेकिन उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि एमोरेट अनचेस्ट है, शी इज़ नॉट वर्जिन। उसे एमोरेट पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसे मारने तक की कोशिश करता है। तो अब एमेरिलिस पैरिगट से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है एंड रस्ते में उसे वही सलन शेफर्ड मिलता है जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करके उसे उसकी रियल फॉर्म में वापस ले आता है। तो अब वो तो बच जाती है लेकिन पैरिगट को तो एमोरेट पे गुस्सा आ रहा होता है एंड रियल एमोरेट जब उसके सामने आती है तो वो उसे स्टैब कर देता है एंड उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ जाता है। उसके बाद सलन शेफर्ड आकर उसे यूं ही इंजर्ड रिवर में फेंक आता है। तो अब सेटर को कहीं से जख्मी एमोरेट मिलती है एंड वो उसे क्लोरिन के पास ले आता है। क्लोरिन उसे ठीक कर देती है और वहीं दूसरी तरफ पैरिगट के हाथों पे एमोरेट का ब्लड लगा हुआ है एंड कई बार धोने पर भी वो उतर नहीं रहा। वो क्लोरिन के पास भी आता है लेकिन वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसके जो हाथों पे ब्लड लगा है वो एक प्योर लेडी का खून है। पैरिगट ने बिना कारण उसे हर्ट किया था तो ये उसकी सज़ा है। और इसी दौरान एमेरिलिस भी उसके सामने कन्फेस करती है कि उसने एमोरेट का रूप लेकर उसके साथ चीट किया। तो ये सब बातें जानकर पैरिगट को बहुत दुख होता है एंड वो एमोरेट से माफ़ी भी मांगता है। एमोरेट तो वैसे ही सच्ची होती है एंड वो उसे माफ़ भी कर देती है। तो ऐसे पैरिगट के हाथ भी क्लीन हो जाते हैं एंड वो दोनों फिर से यूनाइट हो जाते हैं। तो ये थी इनकी स्टोरी। इसके अलावा कुछ और शेफर्ड्स की स्टोरी भी इसमें बताई गई है। तो अब यहाँ पे बात होती है क्लो की जो कि एक लस्टी शेफर्डस है।
वो फिजिकल होने के लिए किसी को ढूंढ रही होती है, तो वो डेफनेस के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि डेफनेस उसके जैसा नहीं है, वो एक पायस इंसान है, उसके इरादे गलत नहीं है। इससे पहले वो थैनोट के पास भी जाकर आती है, लेकिन थैनोट तो क्लोरीन से प्यार करता है और क्लोरीन किसी की हो नहीं सकती। तो इन दोनों के बाद वो अलेक्सिस से मिलती है, वो भी इसके जैसा ही ईगर है। तो रात को वो दोनों मिलने जाते हैं वुड्स में, लेकिन वो सलन शेफर्ड यहाँ पर भी आ जाता है। उसे क्लो चाहिए होती है अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि वो एक लस्टी शेफर्ड है, तो इसीलिए वो अलेक्सिस पे अटैक कर देता है। तो अब एमोरेट के जैसे ही अलेक्सिस भी जख्मी है, एंड सेटर फिर से यहाँ पे आता है उसकी हेल्प करने के लिए, एंड वो उसे भी क्लोरीन के पास लेकर जाता है। तो क्लोरीन ना सिर्फ उसके वुंड्स को ठीक करती है, बल्कि उसे सिखाती है कि तुम्हें अपनी लस्ट को छोड़ देना चाहिए। तो इसके बाद क्लो को भी क्लोरीन के सामने लाया जाता है, एंड वो उसे भी यही बात सिखाती है। तो यहाँ पे हमें ये बात सिखाई गई है कि कैसे एक अच्छा इंसान औरों को सही रास्ता दिखाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है थैनेट की, जो कि क्लोरीन को एडमायर करता है। वो ये देखकर इम्प्रेस्ड है कि कैसे वो अपने डेड लवर के लिए भी इतनी डिवोटेड है। क्लोरीन को अपना बनाने के लिए उससे जो हो पाता है वो वही करता है, वो उसकी नहीं हो पाती, लेकिन वो कुछ ऐसा करती है कि थैनेट भी सुधर जाता है। तो अब लास्ट में जो ईवल कैरेक्टर्स बच जाते हैं, जैसे कि अमेरिलिस एंड सलन शेफर्ड, उन्हें भी क्लोरीन के सामने लाया जाता है। सलन शेफर्ड तो अपना क्राइम नहीं मानता, इसलिए उसे वहां से बैनिश कर दिया जाता है, लेकिन अमेरिलिस ना सिर्फ अपनी गलती मानती है, बल्कि उसके लिए माफ़ी भी मांगती है और उसे माफ़ भी कर दिया जाता है। तो अब वहाँ पे सभी सुधर जाते हैं, एंड क्लो एंड अलेक्सिस एंड पैरगट एंड एमरोड ये डिसाइड करती हैं कि एक दूसरे के लिए फेथफुल एंड डिवोटेड रहेंगे, और ऐसे इस प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये प्ले समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।